आज जब मैं इस पवित्र कार्यक्रम में आया हूं, मैं देश के जवानों का गर्व करना चाहता हूं, देश के सुरक्षा बलों का गर्व करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब युद्ध होते हैं तो दुश्मन देश अपने सामने वाले देश की सैन्य शक्ति पर घात करने के लिए प्रयास करता है। आज मानवता के दुश्मनों ने जो भारत की प्रगति को देखने की उनको परेशानी हो रही है, ऐसे तत्वों ने, ऐसी ताकतों ने पठानकोट में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने हाथ में मिला दिया, उनको सफल नहीं होने दिया। और जिन जवानों ने शहादत की है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं उन जाबाज जवानों को बधाई देता हूं, उन सुरक्षा बलों को अभिनंदन करता हूं। और ऐसे समय राष्ट्र का आत्मविश्वास, राष्ट्र का धैर्य और राष्ट्र की एकता एक स्वर में राष्ट्र से बोलता है तो दुश्मन के हंसे